हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बॉर्डर डिज़ाइन लाए हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आप इसे फ्रॉक में या फिर कोटी में डाल सकते हैं। और ये 9 फंदों का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। ये हमारा 9 फंदों का डिज़ाइन है। ये घटने के बाद ये 9 फंदों का एक हो जाएगा। अगर हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो हमें 9 फंदों को एक फंदा गिनना है, ताकि हमारे फंदे यहाँ आकर जितने हमें डालने हैं उतने हो जाएं। आप देख सकते हैं, और ये बनाने में बहुत ही आसान है। चलिए बनाते हैं। देखिए, पहले हमने ये खाली फंदा लिया, फिर हमें ये 3 फंदे सीधे बुनना है, क्योंकि हम पहले उल्टी तरफ, इधर हमें उल्टा रखना है, इधर सीधा रखना है। तो हमें पहले ये 3 फंदे सीधे बुनना है, 1 2 3, फिर उनको अपनी तरफ करके 9 फंदे हमें उल्टे बुनना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, इसी तरीके से हमें उनको पीछे करना है और 3 फंदे सीधे बुनना है, 1 2 3। इसी तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हमने उल्टी सिलाई ये कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधे तरफ आ जाते हैं। सीधे तरफ हमें ये उल्टे बुनना है, 3 फंदे जो उधर से हमने सीधे बुने थे वो इधर से हमें उल्टे बुनना है इस तरीके से। देखिए, हमने ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, उनको हमें पीछे करना है। फिर हमें ये इस तरीके से उन फंदों को पलट लेना है। देखिए, 2 फंदों को ऐसे पलट लेना है, फिर इन दोनों को इस तरीके से घटा देना है इस तरीके से। हाँ, 1 फंदा, ये देखिए, दोनों को बुन लेना है, फिर सीधे फंदे बुन लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5। देखिए, हमने 5 फंदे अब सीधे बुन लिए हैं। अब हमें ये वाले घटाना है, इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। इन्हें हमें पलटना नहीं है, इस तरीके से बुन लेना है। देखिए, और ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेते हैं। फिर से हमें उनको पीछे करना है, और ये फंदे हमें पलटना है इस तरीके से, फिर ये बुन लेना है ऐसे। तो हमारा यहाँ 1 फंदा घट गया। देखिए, अब ये दोनों हमें लास्ट वाले इस तरीके से बुनना है, इन्हें पलटना नहीं है दोनों एक साथ। देखिए, उल्टे फंदे हमें उल्टे ही बुन लेना है, और उल्टी तरफ से हमें जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुनना है, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनना है। और हमारे इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, हर बार सीधी सिलाई पे हम इधर से एक घटाएंगे, एक इधर से, तो हमारा ये 9 फंदों का 1 फंदा रह जाएगा। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये उल्टी तरफ से हमें क्या करना है, जो हमारे 3 फंदे उल्टे हमने इधर से बुने थे वो इधर से हम सीधे बुनेंगे, और ये हमारे जो भी फंदे हैं वो उल्टे हैं वो उन्हें उल्टा बुनेंगे। और कुछ नहीं करना है उल्टी तरफ से। ये मैं अब बना कर दिखाती हूँ। देखिए, ये जो मैंने ये उल्टी सिलाई हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुन लेते हैं, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन लेते हैं। देखिए, हमने उल्टी तरफ से बुन लिया। अब हम
सीधी तरफ फिर से आ गए हैं। देखिए ये हमने जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन लेते हैं, ऊन को पीछे किया, फिर से हमें ये दो फंदे पलटना है। देखिए इस तरीके से, फिर हमें इन्हें आप देख सकते हैं एक साथ इस तरीके से बुन लेना है। फिर हमारा एक फंदा घट गया। और ये जो दो फंदे हैं उन्हें पलटना नहीं है, इस तरीके से बुन लेना है। जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा ही बुन लेना है तीन। और ये हमें पहले फंदे ये पलटना है, देखिए इसी तरीके से एक एक करके हमारे सारे फंदे घटते चले जाएंगे और ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब हमारे 9 फंदों में से 5 फंदे बचे हुए हैं। उल्टी तरफ से हमें वैसे कुछ भी नहीं करना, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा ही बुनना है, जितने फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बुनना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड हमने एक एक करके हर बार सीधी तरफ से ही घटाना है। फंदे घटा दिए हैं, अभी हमारे 9 फंदों के 3 फंदे रह गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे घटाना है। देखिए ये हमारा खाली फंदा लिया, उल्टे फंदे हमें उल्टा ही बुनने हैं। देखिए हमने उल्टे फंदे बुन लिए, अब हमारे ये 9 फंदों के जो 3 फंदे बचे हुए हैं उन्हें हमें किस तरीके से घटाना है। देखिए पहले हमें इस सिलाई में कर लेते हैं, और ये जो बीच वाला फंदा है उसको हमें लेना है इसमें। पहले देखिए पीछे से इस तरीके से पलट कर लेना है, देखिए इस तरीके से, और ये वाला फंदा, फिर ये वाला लेना है हमें पीछे वाला, पलट कर इस तरीके से आप देख सकते हैं, फिर इसको भी हमें इस तरीके से डालना है, फिर इन तीनों को एक साथ बुन लेना है। अब हमारा ये एक फंदा हो गया 9 फंदों का, और ये 3 फंदे हमें उल्टे ही बुन लेना है। देखिए एक बार और देख लीजिए, ये देखिए उनको पीछे किया, ये जो 3 फंदे हैं हमारे उनका हम एक बनाएंगे। देखिए पहले इस तरीके से निकाल लेते हैं, और पीछे की तरफ से इसे, पहले हमें बीच वाले फंदे को इस तरफ लेना है, और फिर ये इस वाले फंदे को, और फिर ये वाला फंदा, पहले वाला फंदा डालना, फिर इन तीनों फंदों को हमें एक साथ बुन लेना है। ये हमारा एक फंदा हो गया। देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। और ये जो है हमारा, आपको जितना चौड़ा चाहिए ऊपर, जो 3 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन लें, एक सीधा, आप देख सकते हैं इसमें 3 फंदे जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा एक सीधा, इस तरीके से बुनते चले जाना है। उल्टी तरफ से हमें देखिए जो सीधे हैं 3, उन्हें 3 सीधे ही रखना है, और एक ये उल्टा, 3 सीधे इस तरीके से, और एक उल्टा सीधे, और देखिए उल्टी तरफ से ये ऐसा आएगा, और सीधी तरफ से ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको वैसे ही बगैर मोती का भी ठीक लगेगा, अगर आपको मोती लगाना है तो ये आप लगा सकते हैं, और उल्टी तरफ से ये इस तरीके का दिखेगा।
देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप जितना चौड़ा चाहें ऊपर इसको बुन सकते हैं उल्टा सीधा, ये मैंने इतना बुना है। आप अगर और बड़ा चाहती हैं तो ये इतना बुन सकती हैं, तीन फंदे उल्टे और ये एक सीधा बुनकर सिंपल सा। और ये देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार है। एक बार बनाइए ज़रूर और मुझे बताइए कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।